हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं डीलिंग ईगल प्रो AI AX1500 स्मार्ट राउटर जिसका मॉडल नेम है R15 को अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और साथ में कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा। इस राउटर के अंदर AX1500 मतलब 1500 Mbps का ये राउटर है जिसमें 2.4 GHz में 300 Mbps मिलेगी और 5 GHz में 1200 Mbps मिलेगी। बॉक्स के चारों तरफ लिखा हुआ है कि ये राउटर क्या फैसिलिटी देती है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा। तो राउटर को अनबॉक्सिंग करके हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये लाइट पावर की है, ये इंटरनेट की, ये 2.4 और ये 5G वाईफाई की लाइट है। ये और ये ऊपर की तरफ आप देखें तो ये राउटर गर्म नहीं होगा, इसलिए ये कूलिंग के लिए रखा है। तो इस राउटर की डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे ऊपर है तो WPS का बटन, नीचे रिसेट का बटन और यहाँ पे पावर का पॉइंट है। और येल्लो कलर का जो पोर्ट है वो मेन इंटरनेट का पोर्ट है और बाजू में जो 3 पोर्ट है वो लैन केबल का पोर्ट है। अब इस राउटर के नीचे की तरफ देखिए तो इस राउटर की पूरी सेटिंग यहाँ पे लिखी है कि वाईफाई का नाम क्या रहेगा, इसका पासवर्ड क्या रहेगा, अगर आपको HTTP लॉगिन करना है तो इसकी लिंक भी दी है, लॉगिन के लिए इसका यूजर नेम और पासवर्ड भी नीचे दिया हुआ है। ओके, तो ये राउटर का चार्जर लगा के हम राउटर को चालू करते हैं। यहाँ पे प्लग इन किया इस चार्जर को और इंटरनेट का मेन केबल है जो हमने लगा दिया। और ये आगे की तरफ आप देखिए पावर का लाइट इंडिकेशन शो हो रहा है और इंटरनेट की भी लाइट हो गई है, वो दोनों 2.4 और 5G की भी लाइट शो हो रही है। अभी यहाँ वाइट लाइट हो जाएगी तब इंटरनेट इसका एक्सेस हो जाएगा। अभी इसको राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे उसके बाद हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो हम यहाँ देखते हैं कि वाईफाई का नाम शो हो रहा है, ये देखो यहाँ वाईफाई का नाम आ गया। पर हम वाईफाई से कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लैन केबल लगाएंगे इसके पीछे और दूसरा वो हम हमारे लैपटॉप पे लगाएंगे। ओके, तो ये केबल हमने प्लग इन कर दिया। अब यहाँ लाइट सभी इंडिकेशन तो शो हो गई है। अब चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। पहले हम अपने नेटवर्क इथरनेट पे चेक करेंगे कि वो DHCP IP है ना। ओके, ये DHCP IP है और इसका मैनुअल IP 192.168.0.1 ही है। ये तो हम डायरेक्ट IP से ही लॉगिन करेंगे। यहाँ पे राउटर के पीछे जो लॉगिन पासवर्ड दिया था वहीं डालना है और लॉगिन करना है। ओके, तो लॉगिन किया। टर्म ऑफ यूज एंड प्राइवेसी पॉलिसी को एक बार नीचे देख लीजिए और एग्री बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ दो मोड है, एक राउटर मोड है और एक्सटेंडर मोड है। अगर आपको एक्सटेंडर मोड में सेट करना है तो एक्सटेंडर मोड पे क्लिक करके नेक्स्ट कीजिए। हमें राउटर मोड सेट करना है तो हम वहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और यहाँ फिर से नेक्स्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट। यहाँ पे आपका जो सर्विस प्रोवाइडर ने यूज़र नेम पासवर्ड दिया है वो डालना है। मैंने मेरा डाल दिया और नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको वाईफाई का नाम जो रखना है वो वाईफाई का नाम रख दो और नीचे वाईफाई का पासवर्ड दे दो और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। यहाँ डिवाइस एडमिन पासवर्ड है, यहाँ हमें जो राउटर को लॉगिन करना होता है वो हमें यहाँ पासवर्ड सेट करना होगा। तो मैंने एडमिन 123 रख के नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। टाइम जोन हमें एशिया कोलकाता ही रखना है
और नेक्स्ट बटन। अभी यहाँ इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली है, हमें ये राउटर को अपडेट नहीं करना है, तो आई वॉन्ट मैनेज पे मैं क्लिक करके आगे नेक्स्ट करूँगा। तो हमने यहाँ पे कौन से मोड पे कॉन्फ़िगर किया, वाईफाई का नाम क्या रखा है, वाईफाई का पासवर्ड क्या रखा है और लॉगिन पासवर्ड क्या रखा है, इसका फोटो खींच लीजिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। फिर से यहाँ लॉगिन पासवर्ड डाल के हमें यहाँ लॉगिन करना है। ये फिर से हमें पूछा कि आप एक बार अपडेट कर लो, तो चलिए मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ और वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, राउटर अपग्रेड होने के बाद हम फिर से राउटर का लॉगिन करेंगे, तो ये आ गया राउटर का होम पेज और यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है कि इंटरनेट एक्सेस और कनेक्ट वन एक क्लाइंट दिखाई दे रहा है, तो वाईफाई से कनेक्टेड है। अब इंटरनेट चालू हो गया है तो हम न्यू टैब ओपन करेंगे और स्पीड टेस्ट करेंगे। अब हमें इस लैपटॉप में लैन केबल पे कितनी इंटरनेट की स्पीड मिल रही है और वाईफाई में मोबाइल में भी चेक करेंगे कि हमें वाईफाई से इंटरनेट की स्पीड कितनी मिलते है, तो मैं आपको दोनों वीडियो एक साथ दिखाऊंगा। Mbps का मेरा प्लान है, तो आप देख सकते हो कि मोबाइल में मुझे कितनी स्पीड मिल रही है और लैन केबल से लैपटॉप में कितनी मिल रही है। तो आपको मैं बेसिक एडवांस बता देता हूँ, क्योंकि सब में डिटेल्स में बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और वायरलेस में जाएंगे, तो आपको वाईफाई का पासवर्ड और नेम चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर वाईफाई को ही बंद करना है तो स्टेटस पे एनेबल है, वहाँ पे आपको डिसेबल कर देना है। ओके, यहाँ वाईफाई का नेम और पासवर्ड आप दोनों बदल सकते हो। और नेटवर्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो लैन आईपी है 192.168.0.1 वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो आपको जिस रेंज में आईपी रखना है वो यहाँ से आप रख सकते हो। डीलिंक क्लाउड अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो आप बाहर से भी ये राउटर को एक्सेस कर सकते हो उस आईडी से। और यहाँ पे राउटर के मोड आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इंटरनेट के अंदर ये सभी इंटरनेट कनेक्शन टाइप है, जो आप जिस कनेक्शन टाइप में आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो कर सकते हो। और DNS यहाँ डीलिंक वाला ने बाय डिफॉल्ट गूगल ही दिया, वो काफी अच्छी बात है। वो या पैरेंट एंड कंट्रोल भी दिया है, फायरवॉल भी दिया है, वो आप सब एक बार चेक कर लेना। अगर कुछ भी आप इस फीचर के बारे में आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। मैनेजमेंट के अंदर हमने जो टाइम जोन सेट किया वही है जैसे कोलकाता। और सिस्टम एडमिन के अंदर आप डिवाइस का लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते हो, यहाँ से राउटर अपग्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हो और ये है राउटर का होम पेज। यहाँ क्लाइंट पे हम कनेक्ट देखेंगे तो ये दो क्लाइंट कनेक्टेड है, एक मेरा लैपटॉप और मेरा मोबाइल। तो यहाँ से आप वो रिजर्व आईपी कर सकते हो, पैरेंट कंट्रोल के अंदर आईपी डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हो। ये भी फ्यूचर काफ़ी अच्छा है जो शॉर्टकट दिया हुआ है। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।